स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इस बैच के आपके दो बेनिफिट रहेंगे। आपको ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा, ठीक है ना? मतलब अगर कभी कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप घर पे बैठ के भी आराम से अपना लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, कि 12th में हमारा सिलेबस क्या क्या है, कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, कहाँ से कितना वेटेज आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड में कितना आएगा, मेंस में कितना आएगा, नीट में कितना आएगा, फिर हमारी फर्स्ट यूनिट कौन सी रहने वाली है और किस तरीके से उस यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो बेटा ऐसा है कि जो हमारा पूरा 12th फिजिक्स का सिलेबस है उसे हमने, हाँ जी बिल्कुल, हमने अपने, हाँ कॉपी, पूरे 12th फिजिक्स के सिलेबस को ना दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, मतलब दो बुक्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट बुक है हमारी और ये हो गई है सेकेंड बुक, ठीक है? फर्स्ट बुक में जो सबसे पहली यूनिट हमारी बेटा रहती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। श्रेय बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, आप सामने आ जाओ, यहाँ बीच में। फर्स्ट यूनिट हमारी रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी सेकंड यूनिट है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड यूनिट है हम लोगों की वो है मैग्नेटिज्म, यानी यहाँ हम टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है? जो फोर्थ यूनिट है हमारी वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो फिफ्थ यूनिट है हमारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारी फर्स्ट बुक का सिलेबस है फिजिक्स में। मतलब पढ़ रहे हैं यार, ठीक है फिजिक्स पढ़ेंगे, अब जब फिजिक्स पढ़ना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो पूरी जानकारी हमें रहनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन से बुक में कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फर्स्ट बुक में हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड बुक में हम क्या पढ़ेंगे, हमें सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो ये फर्स्ट बुक में पाँच यूनिट हमारे सामने आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आते हैं बेटा हम सेकेंड बुक के अंदर। सेकेंड बुक में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है ऑप्टिक्स। 10th क्लास में आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म वगैरह के बारे में जो पढ़ते थे ना, वो सब इसी के अंदर आने वाला है। ऑप्टिक्स यूनिट का नाम है, इसके अंदर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स सब इसी के अंदर आने वाला है। ओके, ये हमारी सेकेंड बुक की फर्स्ट यूनिट का नाम है। इसके बाद बेटा हमारे पास में आती है मॉडर्न फिजिक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये समझिए कि एट दैट टाइम फिजिक्स में कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं, नई नई जो डिवाइसेस बन रही हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम जितने भी बन रहे हैं, वो सब हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में तीन चैप्टर हमारे पास में आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये पूरी की पूरी हमारी एक यूनिट है, अलग से मैं इसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? एक यूनिट पूरी हमारी ऑप्टिक्स हो गई है, एक यूनिट हमारी मॉडर्न फिजिक्स हो गई है, और एक यूनिट हमारे पास में आती है बेटा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये जो स्क्रीन है हमारे सामने जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में कुछ डिफरेंस पता है आप लोगों को? क्या कहना चाहोगे पार्थ? ये पूरी स्क्रीन जो है ये सब पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट लगा रहता है जो सेमीकंडक्टर का बना होता है, उस कंपोनेंट का नाम होता है पीएन जंक्शन, ठीक है? जितनी भी डिवाइस होती हैं, रेडियो से लेकर मोबाइल फोन तक, ठीक है, टीवी स्क्रीन से लेकर LED स्क्रीन तक, जितनी भी डिजिटल डिवाइस हैं आपकी, वो सब उसी कॉम्पोनेंट से मिलकर बनती हैं। तो इस पूरी यूनिट के अंदर उसी कंपोनेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उसी के एप्लीकेशंस की बात करनी है। तो बेटा ये हमारा पूरा सिलेबस है आप लोगों का 12th का। ये फर्स्ट बुक का सिलेबस है और ये सेकंड बुक का सिलेबस है। आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट बुक में आप और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रॉन का नाम तो सुना होगा ना आप इससे पहले, इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
भाई एटम होता है, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, नाम सुना होगा सभी लोगों ने। तो पूरी फर्स्ट बुक को अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट बुक को एक नाम से मुझे डिफाइन करना है तो मैं कहूँगा द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो स्टडी है वो पूरी की पूरी हम फर्स्ट बुक के अंदर करने वाले हैं। पूरी फर्स्ट बुक में हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड बुक के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, बिल्कुल वैसे ही एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है फोटोन। कभी नाम सुना हो आप लोगों ने फोटोन, लाइट जो चलती है वो फोटोन की फॉर्म में चलती है। ये जो सन की लाइट होती है या बल्ब के अंदर से जो लाइट निकलती है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, उन एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फोटोन, ठीक है। सेकेंड बुक में हम और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटोन पढ़ने वाले हैं, और फर्स्ट बुक में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक हमारा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बुक हो गया हमारा फोटोन, और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को आपके एग्जाम के बारे में बता देता हूँ, ये आपका सिलेबस हो गया है बेटा, ठीक है। अब अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, खाली हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे आपका 11th का सिस्टम था बिल्कुल वैसे ही है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम है, ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। अब इन 70 मार्क्स में से जो फर्स्ट बुक है आप लोगों की, ये लगभग 35 से 37 मार्क्स की आती है, ध्यान रखिएगा, 35 से 37 मार्क्स की आपकी फर्स्ट बुक आएगी और 33 से 35 की आपकी सेकंड बुक आएगी, यानी लगभग इक्वल वेटेज ही है, मतलब पूरा 50-50 नहीं कह सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम की बात है। अगर हम नीट एग्जाम की बात करें बेटा, तो नीट एग्जाम में अब तक तो 45 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल से 50 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, ठीक है। इन 45 के अंदर हर साल 23 क्वेश्चन आप लोगों के जो पूछे जाएंगे, 23 क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे जाने हैं वो 12th की फिजिक्स से पूछे जाने हैं, 12th की फिजिक्स से 23 क्वेश्चन आपके 12th की फिजिक्स से आने हैं नीट के अंदर। अगर मैं JEE की बात करूं, JEE की हम बात करें, तो JEE में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, करने आपको 25 होते हैं, 5 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस आपके पास में रहती है। तो मिनिमम इन 30 में से 12 क्वेश्चन, करने आपको 25 हैं, 25 में से आप ये समझिए कि 12 क्वेश्चन आपके 12th की फिजिक्स से आएंगे, ठीक है। अब जितना हम आपको पढ़ाकर चलेंगे, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करूंगा कि बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको बताकर चलूं, और उस पॉइंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताकर चलूं। यानी आप ये समझिए NCERT, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, एस सी वर्मा के साथ साथ और दो चार बुक्स आती हैं, जैसे बी एम शर्मा है, इरोडोव्स है, और बहुत सारी बुक्स हैं। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि यार किसी बच्चे का लेवल ऐसा है या किसी बच्चे का लेवल बहुत, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपका सबका लेवल इक्वल है और सबका लेवल जीरो पर है बिल्कुल, ठीक है। नहीं, भले आप अपने आप में बहुत महान है, लेकिन बिल्कुल जीरो पर हम आपका लेवल मानकर चलेंगे। यानी जितनी भी बातें हम आपको बताकर चलेंगे वो सब जीरो से बताकर चलेंगे, और उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करके चलेंगे जितनी ज़्यादा हो सकती है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी दो कॉपियां बनानी है बेटा। एक कॉपी आप बनाएंगे क्लास वर्क कॉपी, जिसमें आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक कॉपी आप अपनी बनाएंगे होमवर्क कॉपी, जो भी मैं आपको क्लास के अंदर यहां पढ़ाने वाला हूं आप अपनी क्लास वर्क कॉपी के अंदर लिखेंगे, चाहे थ्योरी हो, डेरिवेशन हो या क्वेश्चन हो, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर रिपीट करने हैं। एवरी फ्राइडे आपकी होमवर्क कॉपी चेक होगी। मतलब मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास के अंदर कराऊंगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊं या 1000 कराऊं, वो सारे के सारे आपको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर रिपीट करने हैं, और वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से आने चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी छोड़कर नहीं चलूंगा, सब अपने आप से कराऊंगा, ठीक है। नहीं, बस वो जितना मैं कराऊंगा वो तुमसे उतना आना चाहिए, और तुमसे इतनी उम्मीद करूंगा कि भैया जो भी हम पढ़ाकर चल रहे हैं ईमानदारी से उसे पूछ कर चलोगे। कहीं भी कोई परेशानी आप लोगों को होती है तो आप वहीं लेक्चर को रोककर हमसे पूछ लीजिएगा कि सर ये कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। समझ आ गई बात आप लोगों को, ये आप लोगों का सिलेबस है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट, और आपकी फर्स्ट यूनिट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करें स्टार्ट, ठीक है। देखिए, आपकी जो नंबर वन यूनिट हमारे सिलेबस में आती है बेटा, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा,
यूनिट है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है क्या। देखो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। और ये जो स्टैटिक्स है ये आप लोगों का लिया गया है इन रेस्ट से, इन रेस्ट से। बाद में इलेक्ट्रॉन को बदल दिया गया चार्ज में, और कलेक्टिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग बन गया है चार्ज इन रेस्ट। यानी आप ये समझिए कि जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब है चार्ज इन रेस्ट या प्रॉपर्टीज शोज बाय द स्टेशनरी चार्ज। देखो चार्ज इन रेस्ट का मतलब क्या है भाई, चार्ज इन रेस्ट का मतलब यह है, अभी आप चार्ज के बारे में जानते नहीं है, आप सोचे कि चार्ज कोई टर्म है और वो टर्म रेस्ट में है, काहे में है, मोशन नहीं कर रहा है, आराम से रेस्ट में है बिल्कुल। अब अगर वो रेस्ट में रखा है तो वो जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा, उन प्रॉपर्टीज की जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के बाद में जो ब्रांच हम फिजिक्स के अंदर बनाएंगे उस ब्रांच का नाम होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बताइए समझ आया या नहीं आया। देखो इलेक्ट्रो दिख रहा है आप लोगों को, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो 12th की आपकी फर्स्ट बुक है उस पूरी बुक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट बुक का नाम है। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म बना है इसमें ये जो इलेक्ट्रो वाला टर्म है बेटा, इस इलेक्ट्रो का मतलब भी इलेक्ट्रॉन से ही है, इलेक्ट्रो का मतलब भी इलेक्ट्रॉन से ही है, और स्टैटिक्स का मतलब है इन रेस्ट से। तो कुल मिलाकर मतलब क्या बन गया, मतलब बन गया कि इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन कुछ और कंडक्शन इंडक्शन बहुत सारी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फिनोमिना शो करेगा, उन फिनोमिना की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डालने वाले हैं। अब बताइए आपको यूनिट का मतलब समझ आया या नहीं आया। इलेक्ट्रो का मतलब किस चीज़ से है, इलेक्ट्रॉन, नाम सुना है सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब किस चीज़ से है, स्टैटिक्स का मतलब है इन रेस्ट यानी स्टेशनरी। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ में रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा रेस्ट में, तो रेस्ट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में डालने वाले हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके चार्ज में कन्वर्ट कर दिया गया, काहे में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि चार्ज आपके पास में दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, खाली इलेक्ट्रॉन थोड़ी चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव भी चार्ज रहेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग बन गया है चार्ज इन रेस्ट यानी प्रॉपर्टीज शोज बाय द स्टेशनरी चार्ज। रुका हुआ चार्ज जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। बताइए बात समझ आई नहीं आई। मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं। मैं आपसे 1200 साल पहले चला जाता हूं। उस समय 1200 साल पहले 1300 साल पहले साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, उस समय होते थे फिलोसोफर। अब क्या होते हैं कि अब तो भैया साइंटिस्ट होते हैं, बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालते हैं, तब अपनी बात को वेरीफाई करते हैं कि भैया हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकल कर आया और देखो ये हमारा रिजल्ट है। उस समय फिलोसोफर होते थे, फिलोसोफर क्या करते थे, थोड़ा सा सोचा कि भाई हाँ ये काम इस तरीके से हो सकता है और उठाकर अपनी थियोरी दे दी, ठीक है, नहीं सोचा बिना एक्सपेरिमेंट के अपनी थियोरी को प्रपोज कर दिया कि भाई ये मेरी थियोरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब से 1300 साल पहले एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। एरिस्टोटल का नाम सुना है सभी लोगों ने, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, सब एरिस्टोटल ही है, समझ आ रही बात। तो एरिस्टोटल का एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक थियोरी दी, थेल्स की थियोरी के मुताबिक, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थेल्स की थियोरी के मुताबिक अगर आप दो बॉडीज को आपस में ऐसे रबिंग कराते हैं ऐसे, तो रबिंग कराने के बाद इन बॉडीज के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से ये बॉडीज छोटे छोटे पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी मान लीजिए कि मेरे पास में कोई दो बॉडी है, ये मेरे पास में दो मार्कर हैं, मैंने दो मार्कर को आपस में रबिंग कराया, तो थेल्स के अकॉर्डिंग, उसे इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बिल्कुल नहीं पता था, उसने कहा कि भैया ऐसा है कि दो बॉडीज को रबिंग कराओ और रबिंग कराने के बाद में इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, समझ में आ रही बात। थेल्स ने इसी प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया, काहे का नाम दिया, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया। हम बहुत मतलब ये है कि हम जब फिफ्थ से सिक्स क्लास में होते थे हम सभी ने ये काम किया है कि पेन को ऐसे हेयर्स के साथ में रबिंग कराया
और पेपर के छोटे छोटे पीसीस के पास में जब पेन को लेकर गए तो पेन क्या करता है, पेपर के छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो थेल्स के अकॉर्डिंग ये जो अट्रैक्ट करने का फिनोमिना है, ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, यही चार्ज है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो थेल्स के मुताबिक, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थेल्स कोई साइंटिस्ट नहीं था, उसने सिर्फ ऐसे ही अपनी बात कह दी। थेल्स के मुताबिक, थेल्स की प्रॉपर्टी या थेल्स की थियरी क्या कहती है, थेल्स के मुताबिक अगर आप दो बॉडीज को रबिंग कराओगे तो रबिंग कराने से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रबिंग इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के बाद दोनों बॉडीज के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी अपनी तरफ छोटा छोटा अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगी। अट्रैक्शन समझते हो ना, अपनी तरफ क्या कर देगी, अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। थेल्स के अकॉर्डिंग इसी प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब बात सुनिए ध्यान से, ये बात हुई थी बेटा 6th सेंचुरी में ये बात हुई थी, यानी अब से 1300 साल पहले, 1400 साल पहले हम चले जाए तब ये बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद अब जैसे इंडिया में अब्दुल कलाम साहब हुए हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट भी रहे हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं। पहले साइंटिस्ट से बाद में प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, ठीक है, उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज थी उनकी वजह से। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बिल्कुल, लगभग 1300 साल के बाद में 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थ्योरी दी, मतलब 1300 साल के दौरान कोई काम नहीं हुआ, थेल्स के बाद सीधा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्क किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि जो 1300 साल पहले थेल्स ने हमें बात बताई थी वो पूरी तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। यानी थेल्स ने सिर्फ इतना बताया था कि दो बॉडीज को रबिंग कराओ, रबिंग कराने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और बॉडीज के अंदर अट्रैक्शन का नेचर आ जाएगा, यही तो थेल्स के अकॉर्डिंग चार्ज था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया और साइंटिफिकली इस बात को समझाने की कोशिश की। बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस थ्योरी को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा जरा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा बेटा कि अगर आपके पास में कोई दो बॉडी है ऐसे, ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से करेक्ट है कि जैसे ही आप दोनों बॉडीज को रबिंग करोगे तो रबिंग करने से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने कितने नाम दिए, 3 नाम दिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि फ्रिक्शन करा रहे हैं ऐसे, रबिंग इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि रबिंग करा रहे हैं, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। समझ में आ रही बात? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने के बाद, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बॉडी भी न्यूट्रल है और ये बॉडी भी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि जितना बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ये बॉडी न्यूट्रल है तो इस बॉडी पर भी मैं मान के चलता हूँ कि 3 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं। बेटा समझ में आई आप लोगों को बात, ठीक है, इस बॉडी पर भी 3 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, ध्यान से बात सुनिएगा। अब होता क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अगर मुझे इस मार्कर के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे इस मार्कर को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? बिल्कुल वैसे ही, अगर मुझे इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को मैं नाम देता हूं वर्क फंक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल ऐसे ही यहां पर, अगर यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम नाम देंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा कि भैया फॉर एग्जाम्पल इसका वर्क फंक्शन है 2 जूल, बेटा कितना है जल्दी से बताइए, और इसका वर्क फंक्शन है 4 जूल, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से, ये किसी भी बॉडी के लिए फिक्स होता है, यानी इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में से किसी को भी बाहर निकालो सिर्फ 4 जूल की एनर्जी लगेगी, इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन है किसी को भी बाहर निकालो तो 2 जूल की एनर्जी लगेगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले ये बताइए कि फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, दोनों बॉडीज को रबिंग कराएंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडीज को रबिंग कराएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसे हमने स्टैटिक, रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, ठीक है।
ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसके अंदर नेगेटिव भी है और इसके अंदर पॉजिटिव भी है। ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसके अंदर नेगेटिव भी है और इसके अंदर पॉजिटिव भी है। बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, उसे हम नाम देंगे वर्क फंक्शन। बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, उसे हम नाम देंगे वर्क फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इन दोनों को रबिंग कराया तो रबिंग कराने से 6 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कभी आप लोगों ने देखा हो जब एक पत्थर से पत्थर टकराता है तो बीच में स्पार्किंग होती है नहीं होती है, बस ये समझ लीजिए कि उस स्पार्किंग से 6 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 6 जूल में से 3 जूल मिल गया इसे, ठीक है, और 3 जूल मिल गया इसे। अब मुझे ये बताइए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, बताइए बेटा, और मिला कितना इसे, 3 जूल मिला। बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी की जरूरत है और मिला कितना है। क्या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बॉडी ए से या बॉडी बी से, बॉडी ए से या बॉडी बी से, बॉडी ए से बाहर निकलेगा। यानी हम ये कहेंगे कि बॉडी ए से ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ये होती है कि वो जिस बॉडी से बाहर निकला है कभी उस बॉडी पर लौट कर नहीं जाएगा, हमेशा उसके जो नेबरिंग बॉडी होगी, जो सबसे नजदीक वाली बॉडी होगी, वहां जाने की कोशिश करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आ गया, बताइए समझ आया नहीं आया पार्थ। अब मुझे बताइए कि यहां कितने नेगेटिव बचे हैं मेरे पास में, 2, और पॉजिटिव कितने बचे हैं, तो बताइए पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है। तो ओवरऑल 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए मेरे पास में, 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज बचा, ओवरऑल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। यहां कितने नेगेटिव हो गए मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए या नहीं हो गए। पॉजिटिव कितने हैं, 3, 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव कम, ओवरऑल कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव। यानी हम ये कहेंगे, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी का रिजल्ट बताने का समय आ गया है। रिजल्ट के मुताबिक जब आप दो बॉडीज को रबिंग कराओगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग इस बॉडी का छोटी छोटी बॉडीज को अपने, जो थेल्स ने हमें बताया था, थेल्स ने क्या कहा था कि चार्ज क्या है, मुझे ये बताइए थेल्स के अकॉर्डिंग चार्ज क्या है। थेल्स के अकॉर्डिंग चार्ज है बॉडी का छोटी छोटी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लियर किया कि बड़ी बॉडी का छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब यह है कि जब आप दो बॉडीज को रबिंग कराओगे, एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना चार्ज है, ना कि बॉडी का छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चार्ज है। अब तीनों बात को एक बार दोबारा से सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, यूनिट का नाम आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यूनिट का नाम बताइए मुझे क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, या प्रॉपर्टीज शोज बाय द स्टेशनरी चार्ज। जो स्टेशनरी चार्ज है आइदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन कौन से साइंटिस्ट ने दिया या कौन से फिलोसोफर ने दिया, थेल्स ने। क्या बताया थेल्स ने, मुझे ये बताइए, थेल्स के अकॉर्डिंग दो बॉडीज को रबिंग कराने से उनमें किनके बीच में क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद उस बॉडी के अंदर छोटी छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक नेचर, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसको उसने काहे का नाम दिया। लेकिन क्या ये एक्चुअल में चार्ज है, बिल्कुल चार्ज नहीं है,
और इस बात को रेक्टिफाई किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि बेटा दो बॉडीज हमारे पास में होती हैं, एक बॉडी का वर्क फंक्शन कम, एक बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा। वर्क फंक्शन कम होने का मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वर्क फंक्शन ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भैया ऐसा है कि मेरे पास में दो मार्कर है, एक थिक है एक थिन है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि इसका वर्क फंक्शन कम है और इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। बताओ श्रेया क्या मतलब है इसका? इसका वर्क फंक्शन कम, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इसका वर्क फंक्शन क्या है? ज़्यादा। क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। अब क्या होगा? मैंने दोनों को रबिंग कराया, कराया रबिंग, इसका वर्क फंक्शन कम था, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा था। तो जैसे ही रबिंग कराऊंगा, जिसका वर्क फंक्शन कम था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले गए तो बताओ इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या नहीं हो गई? अरे हो गई या नहीं हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर यहाँ चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, हो गए नहीं हो गए? तो यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया? इलेक्ट्रॉन के कम होने से यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का कम होना चार्ज है, ना कि बॉडी का छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चार्ज है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एनसीईआरटी में दो लाइन के अंदर लिखा हुआ है, थेल्स की थ्योरी करेक्ट है या बेंजामिन फ्रैंकलिन थ्योरी करेक्ट है, मुझे ये बताइए। बेंजामिन फ्रैंकलिन थ्योरी, बात समझ में आ रही है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज है, ना कि बड़ी बॉडी का छोटी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चार्ज है। बेटा क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो मुझे क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब लिखना स्टार्ट करिए अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहली हेडिंग है आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का नाम है हमारा। ये लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals in the study of properties of stationary charge, properties of stationary charge, ठीक है। अब ये जो थेल्स थियरी है ना बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन थियरी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई है कि भाई अगर आपको याद रहेगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 6th century से स्टार्ट हुआ, फिर 18th century पे जाकर ख़त्म हुआ, फिर 18 और 20 के बीच में, 21 के बीच में खूब सारा काम हुआ इसके बीच में, समझ आ रही बात? तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताई है, आपको इसे नहीं लिखना है कॉपी के अंदर। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वो है चार्ज, हेडिंग लिखेंगे चार्ज। ठीक है, चार्ज की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? चार्ज की डेफिनेशन आप लिखेंगे एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ठीक है, अब यहां से हमने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेटा, ठीक है, हमने यहां से चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, हाँ बेटा, क्या मतलब है पॉजिटिव चार्ज? डेफिशिएंसी, जब भी आप पॉजिटिव चार्ज देखेंगे ना, एकदम से दिमाग में झंझनाहट होनी चाहिए कि भैया पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है।
और अगर जहां भी आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे, कैसा चार्ज देखेंगे, आपको पता चलना चाहिए कि भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसके नीचे आप लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा ही करोगे तो हिंदी में भी लिख देना इलेक्ट्रॉन की कमी, जिससे कि आप याद रखो, इसे लंबे समय तक आप भूल ना पाओ, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का क्या लिखोगे बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना, या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, ठीक है। प्रॉपरली अपने नोट्स बनाकर चलेंगे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। क्लियर हो गई ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू प्लस टू कूलम, पार्थ कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, क्या फीलिंग आएगी एकदम से पॉजिटिव चार्ज को देखकर, कि जिस बॉडी पर भी ये चार्ज रहा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। समझ में आ रही बात, मैंने लिखा Q इज इक्वल टू माइनस के 5 कूलम, तो आप कहोगे कि जिस पर भी माइनस के 5 कूलम रहा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे क्या रहे होंगे, एक्स्ट्रा रहे होंगे, कितने रहे होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर हो गई सभी लोगों को बात, ओके वेरी नाइस। अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, पहले हेडिंग लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हो गया, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी है हमारे पास में चार्ज की, ठीक है, लिखिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट कूलम्ब, इट्स SI यूनिट कूलम्ब, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट कूलम्ब, डिनोटेड बाय कैपिटल C, मतलब इसकी यूनिट को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सुनिए आप ध्यान से, देखो इसकी जो SI यूनिट होगी बेटा वो होगी कूलम्ब, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, या एम्पियर सेकंड, ये भी इसकी एक यूनिट है, एक यूनिट कूलम्ब हो गई है और एक यूनिट हो गई है एम्पियर सेकंड। बोलिए समझ आया क्या, ये चार्ज की SI यूनिट है, कौन सी यूनिट है, ओके। अनदर यूनिट की हम बात करते हैं, दूसरी यूनिट की हम बात करते हैं, खुशी थोड़ा सा इधर होके बैठ बेटा, अनदर यूनिट की हम बात करते हैं। देखो अनदर यूनिट कौन सी है, अगली यूनिट का नाम है बेटा ESU। सबसे बढ़िया बात कि इसे स्मॉल ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कैपिटल नहीं लिखना आप लोगों को, ESU, या इसका दूसरा नाम है स्टैटिक कूलम्ब, स्टैटिक कूलम्ब, स्टैटिक कूलम्ब, अनदर यूनिट ESU या स्टैटिक कूलम्ब। ESU का पूरा नाम है E माने इलेक्ट्रो, S माने स्टैटिक और U माने यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैटिक कूलम्ब, ठीक है। मतलब यहां आपको सफिशिएंट जानकारी मिलेगी थ्योरी और न्यूमेरिकल। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने मैं करा दूंगा इनफ है भैया, ठीक है, नहीं उससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कृपया करके तुम्हारा काम इतना है कि उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहना, बढ़िया करके, बिल्कुल बार बार अपनी कॉपी में उनकी प्रैक्टिस करते रहना, उन्हें लिख लिख कर देखते रहना, ठीक है ना। वो पूरी जानकारी रहेगी आपके पास में बेसिक लेवल से लेकर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक, ओके। ESU और स्टैटिक कूलम्ब, अगली यूनिट का नाम है बेटा फ्रैंकलिन। कहां से आया फ्रैंकलिन, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इतना बढ़िया काम किया उसे कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, क्या रिवॉर्ड मिला, उसके नाम से यूनिट रख दी, ठीक है, नहीं, और यूनिट का नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट का नाम है फैराडे, फैराडे, ठीक है। अगली यूनिट का नाम है EMU, फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। बोलिए समझ आया,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। कितनी यूनिट हो गई है आपके पास में, ESU या स्टैटिक कूलम, और क्या हो गया है फ्रैंकलिन, और क्या हो गया है फैराडे, और क्या हो गया है EMU, एक है बेटा आपके पास में एम्पियर आवर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिसेंटली डिस्कवर होती रहती हैं और सिलेबस में ऐड होती रहती है, ठीक है। नहीं, NCERT हमारी 2009 के बाद रिवाइज नहीं हुई, तो वहां तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। एक यूनिट अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही हमारी ऐड हुई है फिजिक्स के अंदर, उस यूनिट का नाम है डिबई, डिबई पर मीटर, ध्यान रखिएगा बेटा, ये रिसेंटली एडिड यूनिट है, साइड बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, डिबई पर मीटर, ये भी हमारी चार्ज की ही यूनिट है, ठीक। तो ये चार्ज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो इसके अंदर होती है नहीं, सिर्फ वैल्यू होती है इसके अंदर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हो ना, स्केलर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, ठीक है। ऐसा ही यूनिट है कूलम या एम्पियर सेकंड, और यह है इसकी अनदर यूनिट्स, ये इसकी अनदर यूनिट्स है। इनमें भी कमाल की बात क्या है, सुनिए ध्यान से, इनमें भी कमाल की बात यह है कि जो फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन आ गया है इसके ऊपर नीट में, कई बार नीट में क्वेश्चन बन गया है कि जो फ्रैंकलिन है वो कौन सी यूनिट है, तो चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है फ्रैंकलिन, अपने पास में सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन है, और चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज उसका नाम है फैराडे। बताइए समझ आया नहीं आया, अरे बोलिए। तो जी वैल्यूज बताऊंगा, चिंता मत करो, आगे मत बढ़ो, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको क्लियर है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स माने यानी इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, यानी रेस्ट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, चार्ज, ओके। चार्ज को जब भी डिफाइन करना पड़े, आप सबसे आसान लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज। स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी SI यूनिट है, और ये इनके अनदर यूनिट्स है। समझ आ गई बात, ओके। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनके बारे में, जैसे बताइए फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास में, ESU है ना, ESU। अब जो 1 कूलम्ब हमारे पास में होता है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁹ ESU, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, इसे याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। आ गया बेटा समझ में, ठीक है। इसके बाद में है हमारे पास में एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम्ब। ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, और 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम्ब, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, श्रद्धा समझ आई बात, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेफिनेशन क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है सर, वैल्यू समझ आ गई। वन EMU इज इक्वल टू 1/10 कूलम्ब। या अभी रुक जाओ एक मिनट, इसे मत लिखना, इसे आगे लिखो, अभी मत लिखो, आगे कुछ रिलेशंस भी आएंगे वहीं लिखूंगा इसे।
बोलिए, क्लियर है? ठीक है, रफ कर दूं इसे, जल्दी से करो यार। मतलब मुझे रोज का काम रोज बिल्कुल तैयार चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। यहीं से पूरी चीज को क्लियर करके जाओ कि सर इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, और जो क्वेश्चन आप करके जा रहे हो बहुत अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। चलिए बताओ श्रेया, चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? अब मैंने आपके सामने लिखा प्लस 300 कूलम, ठीक है? आपसे पूछ लिया गया कि आप क्या समझते हैं प्लस 300 कूलम के बारे में? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है? ओके, मैंने आपके सामने लिखा माइनस 2 कूलम। आपका नाम क्या है सर? गौरव। स्कूल कौन सा है आपका? ठीक है, आपका नाम सर? अनमोल। ठीक है अनमोल, बताइए माइनस 2 कूलम माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा भाई? पॉजिटिव तो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, तो माइनस काहे को दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन के एक्सिस को, यानी इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को। तो ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से है, और नेगेटिव का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से है, कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है यहां पर, ठीक है? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने मान लो ये चार्ज लिख दिया कहीं पर। अब जैसे मैं ये चार्ज लिखूंगा ना, मतलब न्यूमेरिकल करने की बात तो बाद वाली है, पहले तो आपको चार्ज का मतलब समझ आना चाहिए। अब कहीं ये चार्ज लिखा हुआ आया माइनस 3 × 10⁻⁶ कूलम, नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव के मतलब से, नेगेटिव आने से आप एकदम से समझ जाएंगे कि नेगेटिव का मीनिंग है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या है, वो कम है। बात समझ में आ गई? ये इसका मतलब है, ठीक है? अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। एक तो सिलेबस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है, क्या फर्स्ट बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। थेल्स की थियरी बताई, समझ आ गई आपको थेल्स की थियरी? रबिंग कराओगे तो बीच में क्या बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद मार्कर के अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। थेल्स के अकॉर्डिंग यही चार्ज है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग ये चार्ज नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि जब आप दो बॉडीज को रबिंग कराओगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर शिफ्ट हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? नहीं, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। आज हमने बहुत मामूली सी बात की है, बहुत बेसिक सी बात की है। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब कल की क्लास में आओगे तो ये अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, जो जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। क्लियर हो गई ना बात?